अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, भाई कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपका भाई भी एकदम फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं अपने ऑफिस में ही मौजूद हूँ। ये सारा आपके भाई का ऑफिस है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को व्यू बड़ा साफ साफ लग रहा होगा और वीडियो क्वालिटी में काफ़ी फ़र्क पता चल रहा होगा। उसकी वजह यह है, ये वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूँ आईफोन 14 प्रो मैक्स जो अभी रिसेंटली मैंने बाय किया है, उसकी वीडियो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। लिंक आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा। आज जो मैं आपको चीज दिखाने वाला हूँ बड़ी प्यारी चीज है। वो जो लोग मोटो ब्लॉगिंग राइडिंग से जो ताल्लुक रखते हैं उन सबको पता होगा कि वो कितनी प्यारी चीज है। वो है ये आपके भाई का वेक्टर का हेलमेट। ये चेक करें कितना खूबसूरत हेलमेट है ये। और ये जो लास्ट में इसके लिखा हुआ वेक्टर डॉट सर्टिफाइड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। डॉट सर्टिफाइड एक यूएस की कंपनी है जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, वहाँ से ये वेरीफाई होता है कि हाँ भाई अगर ये खुदा न खास्ता राइडर कहीं एक्सीडेंट कर जाता है तो उसमें ये राइडर को जो है वो नुकसान बिल्कुल भी नहीं देगी, उसका हेड जो है पूरा वो इससे महफूज रहेगा। ये इसकी थीम चेक करें कितनी खूबसूरत है। तो यहाँ पे हमें इसमें दो एयर वेंट्स मिल जाते हैं, ये वाले मैं अभी आपको दिखा, ये वाले हमें इसके अंदर दो एयर वेंट्स दे दिए जाते हैं और एक इसके अंदर हमें ये सामने भी दो एयर वेंट्स मिल जाते हैं। और ये इसका वाइजर है बहुत ही खूबसूरत। और अभी ये बिल्कुल स्क्रैचलेस कंडीशन में है क्योंकि ये मुझसे अभी एक बार जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी बाइक की, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट YBR जो बाइक की थी वो अभी आ भी रही होगी ऊपर, आई बटन पे आप जाके उसको वीडियो को देख सकते हैं। उस पर जो है ये मैंने बाइक पे रखा हुआ था तो ये हल्का सा गिर गया था जिसकी वजह से इस पर एक हल्का सा स्क्रैच आया था। वो मैंने वैसे तो हटा दिया था लेकिन दिख नहीं रहा अभी। हाँ ये रहा, ये हल्का सा स्क्रैच आया था, बस एक स्क्रैच इसके ऊपर यही है और इसके अलावा इसमें कोई स्क्रैच नहीं है, बिल्कुल ब्रांड न्यू मैंने ये बाय किया था। इसके प्राइस अभी मैं आपको बताता हूँ। और देखें भाई इसमें दो एयर वेंट्स यहाँ पे भी हैं, ये वाले हम इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं। लेकिन इससे होता ही है कि अंदर जो है जब हम इसमें मोटर ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं तो अंदर हवा बहुत तेज़ आती है जिसकी वजह से आवाज़ और जो पूरा मोटो ब्लॉगिंग में हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो इसको तो मैं तो बंद ही रखता हूँ, सिर्फ सामने वाला एक और या पीछे वाले जो हैं वो ऑन होते हैं। तो भाई मैं आप लोगों को इस हेलमेट की फीचर्स बता रहा था जो कि मैंने आपको थोड़े से बताए हैं और थोड़े से अभी रिमेनिंग है। एक तो ये था कि डॉट सर्टिफाइड है और सेकेंड चीज़ ये है कि इसमें जो ये अंदर पूरी ग्रिप लगी हुई है जो आपके फेस को कवर कर लेती है, ये पूरी जो है बाहर हम इसको निकाल सकते हैं और इसको वॉश कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसके ग्रिप देख रहे हैं, दोनों साइड पर ये ग्रिप है, इसको आप निकाल के वॉश कर सकते हैं। और ये आ गया इसका जो यहाँ पे नीचे क्लिप होता है जो हम पहनने के बाद इसको कवर कर लेंगे। और बाकी इसकी थीम जो है वो भाई बहुत ही खूबसूरत थीम है इसकी। ये इसका साइड से पूरा व्यू है और इसका साइज भी जो है वो काफी बड़ा है। ये कलर जो है ये मैंने अपनी बाइक के हिसाब से लिया था। मेरी बाइक जो है यामाहा YBR 125G वो भी इसी थीम में है, नियॉन की उस पर हल्की सी शेडिंग है, उसके बाद उस पर ग्रीन की हल्की सी शेडिंग है, उसके बाद जो उसका ओवरऑल कलर है वो है मेट ग्रे कलर। तो ये मेरी बाइक के साथ पूरा मैच होता है। इसको अभी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये इसका वाइज़र हमने ऊपर कर दिया, यहाँ पे हमें इसमें एक ग्लासेस भी दे दिए जाता है जो कि साइड में एक बटन है, मैं भी आपको उसको दिखा दूँ। इस बटन को हम ऊपर करेंगे तो ये ग्लासेस हमारे नीचे आ जाएंगे। जैसा अगर आप कहीं धूप में जैसे राइड कर रहे हैं अपनी बाइक तो उसमें आपके पास अगर सनग्लासेस नहीं है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको हम इस बटन से, इस बटन को हम, ये वाला बटन है, इसको हम नीचे करेंगे तो ये सनग्लासेस ऊपर चले जाएंगे, इसको हम ऊपर करेंगे तो ये सनग्लासेस नीचे आ जाएंगे। ये एक बहुत ही खूबसूरत फीचर है इस हेलमेट का। तो ये है आपके भाई का हेलमेट, वेक्टर कंपनी है, डॉट सर्टिफाइड हेलमेट है ये। तो भाई मैं आप लोगों को हेलमेट के प्राइस बता रहा था। हेलमेट के प्राइस जो है जब मैंने बाय किया था तो ये मैंने 12,000 का बाय किया था 12,000 का, और आप लोगों को ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा लेकिन उसके रेट भी कम मिलेंगे। आपको ये जो है 9,000 में भी ऑनलाइन अवेलेबल है लेकिन उसकी क्वालिटी मुझे नहीं पता भाई कैसी है और क्या सीन है उसका, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल ये मैंने एक अच्छी शॉप से बाय किया था जो कि मुझे 12,000 का पड़ा था। इस हेलमेट के साथ एक कवर भी आता है और बॉक्स भी आता है। बॉक्स मैंने वहीं पर ही शॉप पे छोड़ दिया था क्योंकि बॉक्स का मुझे इतना कोई ज़रूरी काम नहीं था। ये जो कवर है ये मैंने ले लिया था, इससे हम अपना हेलमेट पूरा कवर कर लेते हैं जिसकी वजह से हेलमेट पे जो डस्ट वगैरह है और निशानात वगैरह हैं अगर आप यूज़ नहीं कर रहे तो ये उससे काफ़ी बचा रहता है। और इसी वजह से मेरा हेलमेट, देखें मैंने अभी काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया है क्योंकि अब बकरीद आ गई है और अभी बकरीद की तैयारियों में लगे हुए हैं, तो इस वजह से ये मैंने हेलमेट इस कवर के अंदर ही
करके रखा हुआ था, जब भी देखें कैसा अभी तक नीट एंड क्लीन कंडीशन में ये मुझे वापस से जब मैंने आज निकाला तो मुझे मिला। तो ये क्वालिटी आप लोगों को कैसी लगी ये मुझे आप लाजमी बताइएगा, क्योंकि ये मैंने जो आईफोन लिया है ये सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की वजह से लिया है, ताकि मेरी वीडियो क्वालिटी बेहतर से बेहतर हो सके। तो भाई ये थी आज की वीडियो, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।